स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग बेसिक ट्रेड एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर चुके ट्रेड पॉलिसीज़ को डिस्कस कर चुके और फिर एक बड़ा सेक्शन हम लोगों ने एक्सचेंज रेट से रिलेटेड आइडियाज़ को डिस्कस किया आज जो है वो हम लोग एक नया छोटा सा सेक्शन बढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट इंटरनेशनल मोनिट्री सिस्टम्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आइडिया ये है कि किस तरीके से ये मॉनेटरी सिस्टम काम करते हैं या इनफेक्ट ये हैं क्या अल्टीमेटली दे ड्राइव एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन एंड देन ट्रेड एस्पेक्ट्स के ऊपर इनका बड़ी इम्पॉर्टेंट uh, इम्पेक्ट है वी विल लर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि किस तरीके से इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम आपके एक्सचेंज रेट डिटामिनेशन करते हैं और uh, किस तरीके से आपके ट्रेड को फेक्ट करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट डज mean by international monetary system uh, refers to the rules instruments facilities and organizations uh, for affecting international payments of jitani transactions hoti hain from one nation to another nation in form of anything uh, normally it is in the form of international currencies nowadays but we will see how this process started way back in 18th centuries एटीन सेंचुरी एंड देन हाउ इट कम्स टू द प्रेजेंट सिचुएशन विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन एक्सचेंज रेट्स एंड आइडियाज़ दैट कि आपके पास जो डॉलर है uh, उसके उसके साथ uh, पैक करके सारी जो डिटामिनेशन हो रही है उसकी स्टडी करेंगे ऑल टूगेदर अगर आप देखें तो एक ऐसा सिस्टम जो आपकी ट्रांजेक्शन्स में हेल्प करे फ्राम वन नेशन टू अनदर नेशन गुड्स एंड सर्विसज की फॉर्म के अंदर और ऐसी कोई सिस्टम प्रोवाइड करे ऐसा कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड करे पूरी दुनिया को मॉनिटरी uh, सिस्टम जो है जिसके थ्रू लोग ट्रेड कर सकें मूमेंट हो फ्राम गुड्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और uh, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स दे दैन आपके पास ऐसे इंस्टीट्यूशनस हों जो uh, आपके Uh, कोई भी प्रॉब्लम्स जो हैं ट्रेड से रिलेटेड या कोई भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हों बिटवीन कंट्रीज़ उनको सॉल्व कर सके रिलेटेड टू फाइनेंसेस सो ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑब्जेक्टिव ये होगा ट्रेड इजीली फ्लो हो सके फ्रॉम वन रीजन और यू कैन से फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री देन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेम्स हो ये uh, बड़ा बुनियादी इसका मकसद है प्रायमरीली uh, जो इंटरनेशनल uh, फाइनेंशियल या इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरीके से जो गुड्स की मूवमेंट हैं उनके जो गेन्स हैं जो हम ट्रेड थ्योरीज के अंदर सारा पढ़ के आए हैं किस तरीके से इसको इक्विटिवली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके अमंग डिफरेंट कंट्रीज़ अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम्स होते हैं उन सिस्टम की या उस सिस्टम की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जैसे हम लोग किसी ज़माने में पढ़ते थे कि मनी की क्वालिटीज़ क्या हैं मीडियम ऑफ चेंज यूनिट ऑफ अकाउंट एंड समथिंग लाइक दैट बट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का जो है वो बेसिकली तीन बेसिक पिलर्स हैं या तीन जो है वो आपके पास इसके फंक्शंस हैं या तीन इसकी uh, जो है वो आपके ऑपरेटिव मैर्स हैं जिसके थ्रू आपका कोई भी फाइनेशल Uh, कोई भी मॉनेटरी सिस्टम इस्टबलिश होता है या जो इन इन तीन चीज़ों की बेस के ऊपर बनता है फर्स्ट इज़ एडजस्टमेंट जो मॉनेटरी uh, सिस्टम होना चाहिए वो एडजस्टमेंट करे आपकी डिस्टिक uh, लिब्रम की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर या ट्रांजेक्शन्स की फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन जिसको हम लोग uh, नाम देते थे बैलेंस ऑफ पेमेंट का तो एक ऐसा सिस्टम जो मिनिमम कॉस्ट के थ्रू और मिनिमम टाइम के थ्रू जो आपके डिस्टिक आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के इन नेशंस उनको ख़त्म कर सके वी विल लर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से एज अ यूनिटी एज यूनिट सपोज़ पूरी दुनिया में जो फाइनेंशियल, जो मॉनेटरी सिस्टम हैं उन्होंने किस तरीके से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम किया तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव uh, ये होता है या ये बेस बनती है अच्छे मॉनेटरी सिस्टम की इंटरनेशनल कि वो एडजस्टमेंट्स को इजीली कर सके अगर किसी नेशन के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आते हैं तो उन क्राइसिस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो पाथ देना वो डायरेक्शंस देना सेट ऑफ रूल्स देना ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करना वो बेसिकली इसका काम होता है इसके अंदर जो नेक्स्ट उसका फंक्शन है दैट इज़ रिलेटेड टू लिक्विडिटी लिक्विडिटी से मुराद ये है कोई ऐसा मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो जैसे आप अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल रिज़र्वस का नाम देते हैं वो ऐसे अवेलेबल हों एसेट्स जिसके थ्रू अगर कोई भी बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्किलिब्रम आता है उसको एडजस्ट किया जा सके अब ये जो इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं ये किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकते हैं वो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ कमिंग मॉड्यूल्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम गोल्ड स्टैंडर्ड टू अदर स्टैंडर्ड्स जो भी शिफ्ट आई है वो किस फॉर्म के अंदर आई है जैसे आपके पास uh, हम बात करें एक्सचेंज रेट से रिलेटेड या कोई भी आइडिया जो है वो किस तरीके से मूवमेंट आई है वो हम आगे चल के देखते हैं कॉन्फिडेंस लेवल पे अगर आप देखें तो इस सिस्टम के ऊपर लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये सिस्टम सही तरीके से वर्क कर रहा है और ये इनकी जो जो भी इनके सेट ऑफ रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा सो so, uh, मे इस आप सिंपल सेंस में ये कह सकते हैं कि इसका काम ये भी है मोनिट्री सिस्टम का कि आपके पास एक्सचेंज रेट कंट्रोल करना है क्योंकि अल्टीमेटली बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जब डिसिकेवरम आते हैं तो उसको एडजस्ट करने के लिए फिर इसको एज़ uh, अ एज अ गवर्निंग बॉडी कह लें या एज आ uh, जो भी uh, इस पर्टिकुलर फिनिना को डील करने के लिए यूज़ होगा वो उसका प्रोविजन है फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की तरफ और एक्सचेंज रेट की फॉर्म के अंदर डिफरेंट फॉर्म के अंदर होते हैं लाइक फिक्स एक्सचेंज रेट होता है फ्लोटिंग होता है ये हम लोगों ने कुछ डिस्कशन इसकी पीछे कर चुके हैं ऑलरेडी सो आई विल नॉट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ दिस दिस सिस्टम फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लोटिंग सो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम्स का